बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। पिछले कुछ घंटों से एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल दीपिका पादुकोण की तबीयत से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कल रात मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दीपिका पादुकोण को कल देर रात घबराहट की शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि एक्ट्रेस के परिवार या फ्रेंड्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि अस्पताल में दीपिका के टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है और खुद को रिकवर कर रही है। फिलहाल सभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। फैंस इस खबर के मिलने के बाद दीपिका के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण की लगभग एक महीने पहले भी तबीयत खराब हुई थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। बताया गया था कि उन्हें हार्ट बीट से जुड़ी कोई दिक्कत हुई थी, जिसके बाद फिर से उनकी तबीयत खराब होना थोड़ा परेशान करने वाला विषय है।